जय श्री कृष्ण नमः। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजू कुमार एंड इट इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। ड्यू टू कोविड 19 वायरस आई एम अनेबल टू टीच माय स्टूडेंट, सो आई एम ट्राई टू टीच टू ऑल द स्टूडेंट हु इंस्पायर मी टू डू सो। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स यूट्यूब given us opportunity to reach the our student easily without wasting a time. Let us start. A student, our first chapter in class 12 in accountancy, financial statement of non-profit organization, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं NPO। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। सच ऑर्गेनाइजेशंस विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश टू रेंडर द सर्विसेज टू द मेंबर्स और टू द सोसाइटी विदाउट हैविंग प्रॉफिट, इट इज़ नोन एज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। शॉर्टकट में इसे NPO बोलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लब, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मेन पर्पस होता है सर्विसेज देना या इंटरटेनमेंट करना होता है। इनका मेन मोटिव होता है सर्विसेज देना, इंटरटेनमेंट करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो यही प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन हमें रियलिटी से हट के जो बेस है उसको समझना है कि ये अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस, जिसमें आप लोग प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट। तो ऐसा क्या डिफरेंसेस है NPO में कि ये अपना अकाउंटेंसी जो मेंटेन करता है वो अलग तरीके से होता है? तो आइए देखते हैं ये कैसे मेंटेन करते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंसेस होता है। आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन NPO में क्या डिफरेंसेस है। पहला ऑब्जेक्टिव्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में पहला है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न टू रेंडर द सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड टू द सोसाइटी। इसका पहला दिया हुआ है कि आप इसका मेन मोटिव होता है अपने मेंबर्स को या सोसाइटी को क्या देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर्विसेज के साथ साथ आप इंटरटेनमेंट भी जोड़ सकते हैं। एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का होता है द मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। ये बिजनेस करते हैं, ये सेलिंग और परचेज की एक्टिविटीज़ करते हैं और ये बेनिफिट कमाते हैं। दूसरा पॉइंट है कैपिटल एंड कैपिटल फंड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैपिटल लगाया जाता है वो मेन उसका सोर्सेज होता है डोनेशंस। आप देख सकते हैं डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में है इट्स रिसीव इट्स फंड फ्रॉम इट्स ओनर आर पार्टनर नोन एज अ कैपिटल। ये ओनर्स लगाते हैं या पार्टनर्स लगाते हैं, अगर पार्टनरशिप है, फर्म है तो उसमें दो चार लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, कंपनी है तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीसरा पॉइंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में मेनली तीन अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। और जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में मेनली तीन अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ओके,
ये बेसिक टर्म्स हैं जिसको समझना है। अब ये समझना है कि इसमें किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने इससे पहले क्लास 11th में पढ़ा था जिसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे, और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते थे तो उसमें कुछ आइटम्स होते थे जो ट्रेडिंग में जाते थे, कुछ आइटम्स पीएल में, कुछ आइटम बैलेंस शीट में होते थे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है इसको बनाते समय 80% रूल्स वही अप्लाई होंगे। 80% रूल्स यानी आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही आपने 70-80% आपने सीख लिया है कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। आप ऑलरेडी जानते हो जितने एक्सपेंडिचर होते हैं, या तो ट्रेडिंग में होंगे या पीएल में होंगे, जो पीएल में जाना है वो पीएल में ही जाएगा, जो ट्रेडिंग में जाना है वो ट्रेडिंग में ही जाएगा, जितने इनकम है बाई साइड में, जितने भी एक्सपेंडिचर है टू साइड में, बैलेंस शीट में जाने वाले आइटम जो है वो बैलेंस शीट में जाएंगे। यानी आप पहले ही ऑलरेडी जानते हो कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, बस थोड़ा सा टेक्निक बदला है, तरीका बदला है कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो लेट्स सी हाउ इट्स प्रिपेयर। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में होता क्या है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो अनफैमिलियर है, यानी उसके बारे में आपको पहले से पता नहीं है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं शाहरुख खान का नाम लूं या अमिताभ बच्चन का नाम लूं, अक्षय कुमार का नाम लूं, तो आपको तुरंत एक पिक्चर बनेगा कि हाँ अमिताभ बच्चन कैसे होंगे, शाहरुख खान या अक्षय कुमार कैसे होंगे, या विराट कोहली कैसे होंगे, एक पिक्चराइजेशन होता है। तो ठीक इसी तरह इसमें भी क्या करना है कि कुछ कुछ इनकम ऐसे होते हैं जिसको आपको पता करना है, यानी जानना है कि वो इनकम है। नेम थोड़ा डिफरेंट मिलेंगे इसीलिए तो 80% मैच करेगा, 20% कुछ तो सीखना होगा, इसलिए तो डिफरेंट है ये चैप्टर। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं उसका। इतने सारे आइटम हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे, लर्न नहीं करने पड़ेंगे, एक दो बार आप देख लेंगे। रिसिप्ट पेमेंट कैसे बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट पेमेंट जैसे आप ट्रेडिंग पीएल कैसे बनाते थे ट्रायल बैलेंस को देखकर, तो रिसिप्ट पेमेंट देखकर आप लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिप्ट पेमेंट क्या है ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट साइड में जाने वाले कुछ आइटम्स हैं, आपको करते करते आपको लर्न हो जाएगा कि कौन कौन से आइटम क्या है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आइटम आपको लर्न करने होंगे जो कि मैं बता रहा हूँ। रिसिप्ट साइड में क्या जाता है, पेमेंट साइड में क्या होता है, आपको दिखाएगा यहाँ पे दिया हुआ है आपका। इनकम साइड में आएंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल डिनर है, ये है आपका सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, लाइफ मेंबर फीस, लेगेसी, ये एक एक आइटम आपको पता चलेगा, मैं डिफाइन करूँगा क्या होता है ये चीज़, आप समझेंगे इस बात को। लेकिन ये है रिसिप्ट साइड में जाने वाले आइटम्स और पेमेंट साइड में। इसमें दो तरीके का हेडिंग दिया हुआ है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है और एक कैपिटल रिसिप्ट है। एक रेवेन्यू पेमेंट है और एक आपका कैपिटल पेमेंट है। ये दोनों हेडिंग आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन बिना ध्यान में रखे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी पेमेंट आप रिसीव करोगे, चाहे किसी तरीके का पैसा हो, इस साल का हो, 10 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, एडवांस हो, डजंट मैटर, पैसा अगर आएगा, पैसा आप रिसीव करोगे तो रिसिप्ट साइड में, और किसी तरह पैसा जाएगा, किसी भी तरीके से आपका पैसा आपके पास से जाएगा, आपको पेमेंट साइड में दिखाना है। जैसे आपने बिल्डिंग परचेस किया, बिल्डिंग आप परचेस करोगे तो आप बस फोकस करो बिल्डिंग कहाँ गया, डजेंट मैटर, आपके पास से पैसा आया या गया। तो आप बिल्डिंग परचेस करोगे तो पैसा जाएगा, तो इसको किधर दिखाना है, पेमेंट में। बिल्डिंग आपने परचेस किया तो पेमेंट आप करोगे तो पेमेंट में, लेकिन बिल्डिंग बेचोगे तो पैसा आएगा तो रिसिप्ट में। सैलरी पे करोगे आप, सैलरी पे करोगे पैसा जाएगा पेमेंट में, सैलरी रिसीव करोगे पैसा आएगा रिसिप्ट में, ओके। सब्सक्रिप्शन यानी चंदा होता है,
एक एक आइटम के बारे में मैं वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आइटम आप देखेंगे, एक एक चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा, आप धीरे धीरे लाइटली इसको समझेंगे, लेकिन पहला आपका ट्राई होना चाहिए कि इसको लर्न करें, ठीक है। जो भी है आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, मैंने बहुत करीब से दे दिया इसको। तो रिसीव पेमेंट बनाने एज अ ट्रायल बैलेंस की तरह ही होता है, मान लेते हैं, होता तो नहीं, डिफरेंस तो है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है, मैं बना रहा हूँ एक, कि रिसीव पेमेंट की तरह ट्रायल बैलेंस की तरह रिसीव पेमेंट होता है। इसमें करना क्या है कि जितने भी आप पेमेंट करोगे, किसी भी नेचर का, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल नेचर का पेमेंट आप करोगे, चाहे आज करो चाहे 10 साल पुराना करो पेमेंट, पैसा जाएगा आपके पास से। पेमेंट में दिखाना, पैसा आएगा रिसिप्ट में आपको दिखाना है, ओके। इतना आपको ध्यान रखना होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मेनली तीन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहला है आपके सामने रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। और मैंने ऑलरेडी बताया कि आपने 11th में जो पढ़ा है फाइनल अकाउंट, 80% आपका काम आसान है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा, वो 20% चीज़ें ही डिफरेंट होता है, तभी कोई नया चैप्टर क्रिएट होता है। इसलिए 20% ही आपको मेहनत करना है, लेकिन ईमानदारी से वो आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो हम लोग पहला पॉइंट सीख रहे हैं रिसीप एंड पेमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको दिमाग में फिट करना है आपको। इसमें से आप देखेंगे, अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें से 50% मैटर, जो 50% आइटम्स है वो ऑलरेडी मैच कर रहे हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे सैलरी है, आप देख रहे हो सैलरी है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, ये सब ऑलरेडी आप जानते हो। जो नए चीज़ें हैं उसको आपको समझना है कि ये इनकम है या एक्सपेंडिचर। तो मैंने इसको बता दिया, प्रिपेयर करने का एकदम आसान तरीका, पैसे किसी भी तरीके से आपके पास आएंगे रिसिप्ट में, पैसे किसी भी तरीके से आपके पास से जाएंगे, उसे हम पेमेंट में दिखाएंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू। ये मेरा पहला वीडियो है, मे भी हो सकता है कि अच्छा ना हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आगे धीरे धीरे मच बेटर होगा। थैंक यू।